पूर्णिया ने जताई मध्य प्रदेश चुनाव की संभावना, कहा ज्यादा दिन नहीं चलेगी गहलोत सरकार। राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने सत्ता संगठन में अपनी भागीदारी के लिए दबाव का प्लान बदल दिया है। अब पायलट अपनी जमीनी ताकत का इस्तेमाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आला कमान पर दबाव बनाने के लिए करेंगे। राजस्थान में कोरोना से जिनकी मौत हुई है, पायलट उन परिवारों को सांत्वना देने उनके घर जाएंगे। सचिन पायलट ने इसकी शुरुआत रविवार से ही कर दी है। दौरों के पहले चरण में वह कांग्रेस पार्टी के उन विधायकों के घर जा रहे हैं जिन्होंने अपने को खोया है। दौरे की पहली प्राथमिकता गुर्जर मीणा बहुदेव पूर्वी राजस्थान है, लेकिन पायलट खुद को यहां तक सीमित नहीं करेंगे, उनकी पूरे राजस्थान में दौरे की योजना है। पायलट समर्थकों का दूसरा प्लान है फील्ड में जन समस्याओं को लेकर दबाव और घेरेबंदी करना। सीएम का ओपन संवाद, वैक्सीन की बर्बादी पर बोले गहलोत, राजस्थान को किया जा रहा है बदनाम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए दो दावेदारों के बीच जंग शुरू हो गई है। सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक अपने अपने नेताओं के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। राजस्थान में बदलेगा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के यूनिफॉर्म का रंग, शिक्षा मंत्री ने दिए संकेत। गहलोत सरकार महज 4 साल के भीतर ही एक बार फिर से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म का रंग बदलने की तैयारी कर रही है। यह है रक्तदानवीर, अब तक दे चुके 55 बार ब्लड। सेकावाटी के जगदीश खून देकर बचा रहे लोगों की जिंदगी खड़ी कर दी रक्तवीरों की टीम। डॉक्टर जगदीश प्रसाद कड़वासरा, एक शिक्षक से उम्मीद होती है कि वह सुनहरे भविष्य का निर्माण करे, युवा पीढ़ी को सही दिशा दे ताकि देश की दशा सुधर सके। लेकिन इस मामले में सेकावाटी की डॉक्टर जगदीश प्रसाद कड़वासरा की कहानी सबसे जुड़ा व प्रेरित करने वाली है। यह न केवल कॉलेज में बच्चों को पढ़ा लिखा कर बेहतर नागरिक बनाने में जुटे हैं, वहीं ये खून देकर दूसरों की जान भी बचा रहे हैं। इसलिए सेकावाटी में सबसे ज्यादा खून देने वालों में से एक शख्स ये भी हैं। यही नहीं, लोगों के लिए मसीहा की भूमिका निभा रहे जगदीश कड़वासरा के पास रक्तवीरों की एक टीम भी है जो इनके एक फोन कॉल पर हर समय रक्त देने के लिए तैयार रहती है। साथ के मांग लेकर बेटे की मौत की निष्पक्ष जांच कराने के लिए आईजी को भेजा ज्ञापन। ज्ञापन देने आया गोपीराम। 1.25 साल पहले झुंझुनू मंडला पर सड़क हादसे में मरे युवक के पिता कालेरी की डाणी निवासी गोपीराम सैनी ने आईजी को ज्ञापन देकर अपने बेटे की हत्या की आशंका जताते हुए न्याय की गुहार की है। ज्ञापन में कालेरी की डाणी निवासी गोपीराम सैनी ने बताया कि उसका बेटा नरेंद्र उर्फ नेमीचंद 26 फरवरी 2020 की रात्रि को झुंझुनू में शादी में केटरिंग का काम करके बाइक से विक्रम के साथ गाँव जा रहा था। पुलिस ने हमें बताया था कि मंडरेला रोड पर मवेशी को बचाने के चक्कर में फिसल गई, नरेंद्र की मौत हो गई, जबकि विक्रम को आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस वक्त हमने इसे हादसा मान लिया, लेकिन नरेंद्र के मोबाइल को चेक करने पर पता चला कि नरेंद्र को कुछ लोग धमकी दे रहे थे, उन लोगों ने उनकी हत्या कर यहाँ लाकर उसे हादसे का रूप दे दिया है। नवलगढ़ अस्पताल पहला फ्री वाईफाई जोन बना है। कस्बे का उपजिला अस्पताल 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ फ्री वाईफाई जोन बन गया है। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा की पहल पर रिलायंस जियो ने इस पूरे परिसर को वाईफाई से जोड़ दिया है। पूरे परिसर में फुल स्पीड देने के लिए 27 बूस्टर लगाए गए हैं जिनमें 25 शुरू कर दिए गए हैं। सिर्फ कोविड वार्ड छोड़ा गया है। जियो के अधिकारी अरुण शर्मा व गिरिराज ने इसके लिए विशेष प्रयास किया। अब वाईफाई की सुविधा से मरीजों को अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। जियो के बीकानेर जोन का पहला वाईफाई जोन अस्पताल बना है। सेकावटी में पहला हॉस्पिटल है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का किया आयोजन।
टोंक डूनी से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूनी के प्रांगण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डूनी न्यायालय के न्यायाधीश मजिस्ट्रेट स्वाति भगवती ने माँ सरस्वती को दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में योग का महत्व समझाते हुए कहा कि योग हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इससे शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, साथ ही साथ मानसिक एवं शारीरिक संतुलन बना रहता है। योग से आध्यात्मिक स्मरण शक्ति एवं धैर्यवान रहने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक रति राम जाट द्वारा योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रभारी राम लक्ष्मण गुप्ता ने बताया कि छात्र सदस्य अपने घर पर रहकर योग एवं व्यायाम किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य बवनलाल कुमार ने सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन एवं आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक एवं न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।